हेलो एवरीवन, मैं हूँ सरबजीत कौर और आज हम जानेंगे बच्चों को अल्फ़ाबेट्स लिखना कैसे सिखाएंगे। तो बच्चों को कभी भी सीक्वेंस में नहीं सिखाना है, जैसे ए से स्टार्ट किया और जेड पे ख़त्म, ऐसे सीक्वेंस में कभी नहीं सिखाना। इसके लिए एक पैटर्न फॉलो किया जाता है जो है स्ट्रोक्स, जो हम कराते हैं राइटिंग से पहले, वो स्ट्रोक्स कैसे कराए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, और फिर ये जो अल्फ़ाबेट है इनमें से कौन सा पहले और कौन सा बाद में कराया जाता है, तो ये सब आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं कौन सा लेटर पहले करेंगे और कौन सा बाद में करेंगे। तो स्टेप वन क्या है? स्टेप वन है, सबसे पहले बच्चे को हम स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन कराएंगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं जो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से कौन कौन से लेटर बनते हैं। तो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से कौन कौन से लेटर बनते हैं? ई, एफ, एच, आई, एल एंड टी। तो ये हो गए स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से बनने वाले लेटर्स। तो यहाँ हम लिख लेंगे कौन कौन से हैं, ई, एफ। तो आप ऐसे ही एक लिस्ट बना लीजिए, आई, एल, टी। तो ये जो हैं स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से बनते हैं, तो इनमें से जो इजी है वो पहले लिख लेंगे हम, एल। मेरे हिसाब से तो सबसे पहले एल होना चाहिए स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। एल, टी, फिर आई, फिर एफ, ई और फिर एच। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कौन से पहले कराएंगे। सबसे पहले कराएंगे एल, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। उसके बाद टी, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। उसके बाद आई, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। उसके बाद एफ, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। उसके बाद ई, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। उसके बाद एच, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। उसके बाद आता है स्टेप टू। तो स्टेप टू में स्लैंटिंग लाइंस, ऑपोजिट स्लैंटिंग लाइंस, zigzag, अप एंड डाउन पैटर्न भी बोलते हैं इसको, ये इस तरह भी होता है। तो ये कराया जाता है। अभी देखें हम ये जो स्लैंटिंग लाइन zigzag में कौन कौन से लेटर आते हैं। तो इसमें आएंगे ए, एम, एन, V, W, X, Y और Z। कुछ लोग जो हैं Z को Z भी बोलते हैं, तो ये हमारे आएंगे। तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं कौन कौन से आएंगे। A, सॉरी के रह गया था हमारा, के है ना, ए, के। उसके बाद है एम, एन। उसके बाद है वी, डब्ल्यू, एक्स, Y एंड Z।
तो इनमें से सबसे पहले कौन सा कराया जाएगा? ए। पहले ए कराया जाएगा, फिर एन, उसके बाद एम, उसके बाद बी, देन डब्ल्यू, देन के, देन एक्स, वाई एंड जी। तो ऐसे कराए जाएंगे। तो यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद कौन सा कराया जाएगा? ए, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। तो ऐसे है डब्ल्यू। उसके बाद के, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। उसके बाद एक्स, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। उसके बाद वाई, स्मॉल स्लैंटिंग लाइन एंड बिग स्लैंटिंग लाइन। उसके बाद जी, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। इसके बाद आता है स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में क्या होता है? कर्व कराए जाते हैं बच्चों को, कर्व। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, तो उसमें मैंने ये बताया था कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं, कैसे कराए जाते हैं, तो उसमें मैंने अच्छे से बताया था। फिर होती है कर्व लाइन, जो ऐसे कराई जाती है अप डाउन, ये भी ऐसी भी होती है लेफ्ट राइट। तो ये सारा कराने के बाद हम देखेंगे अभी इसमें कौन कौन से अल्फ़ाबेट आते हैं, कर्व व कर्व्ड लाइन सारे उसमें कौन कौन से आते हैं अल्फ़ाबेट। बी, सी, डी, जी, जे, ओ, पी, क्यू, आर, एस एंड यू। तो कौन कौन से आते हैं स्टेप थ्री में? बी, सी, डी, जी, जे, ओ, पी, क्यू, आर, एस एंड यू। तो जो कर्व में आते हैं उनमें से सबसे पहले कराया जाएगा यू, उसके बाद बी, डी। यू ऐसे होता है अप, जो कर्व होती है बी में पहले स्टैंडिंग लाइन कर्व देन कर्व, डी में स्टैंडिंग लाइन देन कर्व। और सी से पहले डी क्यों कराया जाता है? क्योंकि जो सी होती है वो ऐसे बनाते हैं तो उसमें कंफ्यूज हो जाए बच्चे की पेंसिल नहीं उठानी है कभी, जैसे वो कभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको आगे ले जाएंगे। तो डी जो होती है पहले स्टैंडिंग लाइन, तो उनको पता है यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ से, तो यहाँ पे ख़त्म करना है। तो ऐसे, तो उसके बाद डी के बाद पी, स्टैंडिंग लाइन कर्व, उसके बाद आर, स्टैंडिंग लाइन कर्व स्लैंटिंग लाइन, उसके बाद सी कर्व, उसके बाद जी। जी उससे भी डिफ़िकल्ट है, जो इजी है वो पहले कराएंगे, जो डिफ़िकल्ट है बाद में। पहले कर्व बनाएंगे, अप, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। तो जो एस होती है उसके बाद एस आएगी, एस के लिए बच्चे की जो पेंसिल ग्रिप होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो इतने सारे लेटर सीखने के बाद उसकी वो ग्रिप जो है अच्छी हो जाएगी। तो एस कर्व देन कर्व, क्योंकि इसमें पेंसिल नहीं उठानी है। जो ओ है वो भी
उसके लिए भी जो ग्रिपिंग पावर है बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बिल्कुल सर्कल नहीं बना पाते हैं कई बार। तो ओ, उसके बाद क्यू, सर्कल एंड स्लैंटिंग लाइन, और उसके बाद जे। जे में भी बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे, या तो इसको यहाँ ही ख़त्म कर देंगे, यहाँ ख़त्म कर देंगे, या ऊपर ले जाएंगे। तो स्लीपिंग लाइन। तो इस तरह से बच्चों को कराना चाहिए सीक्वेंस वाइज, कौन सा पहले कराना है, कौन सा बाद में। तो ये वाला जो पैटर्न है ये ऐसे फॉलो किया जाता है, 3 स्टेप्स में कौन कौन से स्ट्रोक कराए जाते हैं, तो उसके बाद ऐसे कराया जाता है पूरा जो A to Z है। उसके बाद इसको कराने के बाद फिर सीक्वेंस में कराया जाता है। ऐसा भी कर सकते हैं जहाँ तक अल्फाबेट हो गए हैं तो फिर वहाँ तक उनको रिवीजन कराया जाए, बाद में जो दूसरे लेटर कराए जाएं। तो अलग अलग पैटर्न फॉलो किया जाता है अलग अलग स्कूल में। तो ये जो मैं बता रही हूँ ये सबसे ईजी है और बच्चा सीख भी जाएगा, उसको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।